दोस्तों आप सभी जानते हैं रूबी नेटवर्क में केवाईसी चल रहा है और केवाईसी के रिगार्डिंग मैंने आपको लेटेस्ट वीडियो भी प्रोवाइड किया था। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसका जो अपडेट आने वाला है उसमें आप केवाईसी कर पाएंगे और केवाईसी ओपन हुआ था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अप्लाई भी किया है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा तो अप्लाई ही नहीं हुआ, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रोसेस आप हमें बताइए। तो ये प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दें, बहुत ही शानदार एयरड्रॉप आप सभी के लिए लेकर के आए, वो भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। लगभग इसी महीने मेरे हिसाब से लॉन्च भी होने वाला है। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे। सबसे पहले रूबी का केवाईसी सिस्टम समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये आपके सामने जो एप्लीकेशन है रूबी नेटवर्क, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है, इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, क्योंकि जो इसका लेटेस्ट अपडेट है वो 5 सितंबर को सबमिट किया गया था और 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो यहां पर आपका आज लगभग यहां पर आप देखेंगे आप अपडेट कर पाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें जो फंक्शन से ऐड किया गया है उसमें आप देख सकते हैं ऐड केवाईसी वेरिफिकेशन फॉर द ग्लोबल यूजर। अगर आप प्ले स्टोर से अपडेट नहीं करते हैं तो ये आपका जो केवाईसी सिस्टम है ये आपको नहीं मिलेगा। तो आपको एप्लीकेशन मस्ट यहाँ पे अपडेट कर लेना है, फिर आपको ओपन करना है एप्लीकेशन। लेकिन ओपन हो रहा है तब तक आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे हम बता दें कि एप्लीकेशन का यानी जो यहाँ पे सिस्टम है वो यहाँ पे सिस्टम आप देखेंगे लोडिंग में बहुत समय लेता है। दूसरा, इनका अभी तक ट्विटर हैंडल्स देखने को नहीं मिला है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल सके। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉइन का लॉन्चिंग का जो अपडेट है उसका कोई भी यहाँ पे न्यूज निकल के नहीं आया है। ओनली केवाईसी हम लोगों से यहाँ पे कराई जा रही है। तो केवाईसी आप देखेंगे हम लोगों ने बी नेटवर्क में भी कर रखी है और ऐसे आप देखेंगे स्टार नेटवर्क में भी कर रखी है और भी ऐसे 2-4 एप्लीकेशंस हैं उनमें भी कर रखी है। फॉक्स नेटवर्क आया था उसमें भी हमने केवाईसी की थी, लेकिन लॉन्चिंग का अपडेट हम लोगों को अभी तक उन एप्लीकेशंस में नहीं मिला है। तो क्या ये भी ऐसा ही करेगा वो आगे देखना रहेगा, लेकिन आप करना चाहते हैं तो आपने बताया है तो हम आपको प्रोसेस जरूर बताएंगे। एप्लीकेशन आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में मस्ट आपको क्या करना है वो आप समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शंस आपको मिलता है यहाँ पे आपको क्लिक करके माइनिंग शुरू करनी है और इस वाले ऑप्शंस पे आपको चले जाना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शंस पे जाते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है माई इन्फॉर्मेशंस का। माई इन्फॉर्मेशंस पे जाने के बाद, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देखिए आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको लास्ट नेम यानी जो भी आपका नाम है, जैसे मान के चलिए मेरा नाम अमन है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले अमन यहाँ पे लिख दूंगा। अगर मेरा नाम सिंह है तो सिंह यहाँ पे लिखूंगा, अगर नहीं है तो अमर भी यहीं पे लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ करनी है, यहाँ पे आपकी ईमेल ऑलरेडी रहती है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी रहता है, यहाँ पे इंडिया रहती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो प्रोविंस, ये जो ऑप्शंस आपको मिलता है ये ऑप्शंस यहाँ पे ओपन नहीं होता है, अगर ओपन हो जाता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो एड्रेस वाला आपको ऑप्शन मिल रहा है ये तो आप सभी जानते हैं, सिंपल तरीके से आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी आप फिल कर सकते हैं। जब तक आपके ये ऑप्शन यहाँ पे फिल नहीं होंगे, मैंने आपको उस वाली वीडियो में भी बताया था, जब तक ये वाला आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको केवाईसी नहीं मिलेगी। तो फटाफट से ये ऑप्शन हम फिल कर लेते हैं। और हमने देखा है सारा कुछ, हमने डिटेल फिल कर दिया है, लेकिन ये जो दोनों ऑप्शन हैं हमारे ओपन नहीं हो रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे सेव कर देंगे और दोबारा से कुछ समय बाद ट्राई करेंगे, अगर ये हो जाते हैं तब यहाँ पे हम कर देंगे। तो यहाँ पे हम एग्री कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो दोबारा ये जो एडिट का बटन मिलता है, ये वाले जो ऑप्शन हैं इनको आप दोबारा से फिल कर सकते हैं। अब ये आपका हो चुका है, यहाँ से हम बाहर चलेंगे। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है यूजर वेरिफिकेशन का, ये वाला आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंड नंबर पर, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑप्शंस ये मिल रहे हैं, यहां पे आपको मिलता है ई केवाईसी, जेलो लिंक, फेसबुक लिंक, गूगल लिंक, टिकटॉक लिंक, टेलीग्राम। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। तो जो यहाँ पे केवाईसी कराई जा रही है ई केवाईसी वाले ऑप्शन से ही कराई जा रही है। ई केवाईसी पे जैसे ही आप यहाँ पे नॉट वेरीफाइड लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है, तो इस पे हम एक बार क्लिक करते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो केवाईसी की जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अभी क्या लिख करके आ रहा है, करेंटली केवाईसी इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, प्लीज कम बैक लेटर। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ यहाँ पे पूरा। देखिए जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप पासपोर्ट और यहाँ पे जो आपकी नेशनल आईडी है उससे आप केवाईसी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 5000 लोगों के लिए रखा गया था, स्लॉट जो है पूरे यहाँ पे हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे वेट कीजिए। अब नेक्स्ट जब यहाँ पे ओपन होगा तो हम आपको प्रोसेस बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप नेशनल आईडी से केवाईसी कर सकते हैं, आपको सेल्फी वगैरह देनी होती है और आराम से आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि मेरा केवाईसी नहीं हुआ है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एप्लीकेशन यानी जो कॉइन है वो अभी लॉन्च
लॉन्च नहीं हो रहा है। लॉन्चिंग में अभी काफ़ी समय है और यहाँ पे कोई अपडेट भी नहीं आया है, तो जब तक ये ऐसा लॉन्च होगा तब तक आपको यहाँ पे KYC का अपडेट मिल जाएगा। अब चलते हैं एयरड्रॉप के रिगार्डिंग, जो हमने टेलीग्राम पे आपको लिंक दे दिया है। आपको बताना चाहूँगा 12 मिलियन का फंड इनके द्वारा रेज किया गया है एलियन स्वैप के द्वारा। और एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पे जो फंड रेज किया गया है, ये जो एयरड्रॉप है काफ़ी समय से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज और कल में ही यहाँ पे नया आया है, काफ़ी समय से चल रहा है। तो लॉन्चिंग का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो आप सभी को मस्ट ज्वाइन कर लेना है। कैसे ज्वाइन करना है वो प्रोसेस आप समझ लीजिए। तो आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा है, ये वाला लिंक आपको कॉपी कर लेना है टेलीग्राम से। तो इस लिंक को यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है। अब आपके पास मिसेस ब्राउजर है या कीवी ब्राउजर है, आप उसमें ओपन कर सकते हैं। मैं तो आपसे कहूँगा कि मिसेस ब्राउजर में आप इसको ओपन सकते हैं। हम मिसेस ब्राउजर में आ चुके हैं, लिंक हमने पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे इसको हम सर्च करेंगे। जैसे ही आप लिंक को सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है। अब वॉलेट आपके पास कौन सा है वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा मेटामास्क एक्सटेंशन आपका मस्ट होना चाहिए। देखिए आपका मोबाइल है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा और वॉलेट कनेक्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे ही आप वॉलेट कनेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है। ये आपके पॉइंट आपको मिलते हैं, ये पॉइंट आपको क्लेम करने होते हैं। तो हम यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, देख पाएंगे आपको मेटामास्क, OKX ये वगैरह वगैरह वॉलेट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेटामास्क पे क्लिक कर देंगे। सेम हो चुकी है, पासवर्ड फिल कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे पासवर्ड फिल कर दिया है। जैसे ये ओपन होता है आपसे कनेक्ट करने के लिए बोलता है, साथ ही साथ कनेक्ट होने के बाद में आप देखेंगे आपसे कुछ और परमिशन यहाँ पे लेता है, सिग्नेचर वगैरह ऐसा कुछ बोलता है। वो आपका कोई नहीं, वॉलेट ही कनेक्ट होता है सिंपल, ठीक है। तो एक्सेप्ट एंड साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये करते हैं आपका यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे पॉइंट क्लेम करने हैं। ये जो पॉइंट है आपको पर डे यहाँ पे क्लेम करने हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही आप क्लेम कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। ये आपको पर डे क्लेम करने होते हैं, कुछ पॉइंट आपको पर डे यहाँ पे मिलते हैं। अब आपका ये ट्रांसफर होता है डिफरेंट में, जो यहाँ पे चैन होती है यहाँ पे मिल रहा है, आप देख पाएंगे साइन इन विथ स्कोर अर्न का। तो इस पे आप चाहे तो क्लिक कर सकते हैं या आप अर्न पे भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप साइन इन विथ अर्न पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 1 यहाँ पे स्कोर मिला है टोटल, और ये जो आपका स्कोर है ये आपका कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको मिल रहा है इस पे लिखा है स्कोर सिस्टम इज ऑनलाइन स्कोर गाइड फॉर ज्वाइन मल्टी चैन स्पेस एंड अर्न फॉर स्कोर रिवार्ड फॉर रियल टाइम। तो इसको यहाँ से हम एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर देते हैं, ये आपका यहाँ से हट जाएगा और आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका आ चुका है। आज का जो टोकन है आपका यहाँ पे क्लेम हो चुका है, कल फिर से आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। इस तरीके से आप क्लेम करते रहिए और आगे का जो अपडेट होगा वो हम आपको आगे की वीडियोज में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इथेरियम वगैरह का जो यहाँ पे NFT वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको बताते चले, बहुत सारे लोग अभी क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे जो रेफरल सिस्टम है उस पे अगर आप चाहें तो अपना जो डिफरेंट यहाँ पे मल्टीपल्स अकाउंट बनाते हैं, अगर आपके कोई और मोबाइल्स हैं उनमें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक ही मोबाइल्स में आप ऐड मत करना। तो वहां पे क्या लिखा है कि 100 रेफरल्स, यानी वहां पे लिखा गया है कि अगर आप 100 रेफरल्स में आ जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, बस इतना लिखा हुआ है। और अगर आप नॉर्मल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्रेंड वगैरह को ऐड कर सकते हैं। अब आप सभी के कोई डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप हमें बता सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे कोई गलती हो जाती है छोटा भाई समझ के माफ कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। किसी अदर टॉपिक पे फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर